हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान ऑफिशियल की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों ये देखिए, अभी मैं रेडी हो गया हूँ ड्यूटी जाने के लिए। जो मेरा डेली का रूटीन है दोस्तों, यानी एक हफ्ते का फिक्स है। ड्यूटी तो हम लोग की डेली रहती है, 24 घंटा रहती है, तो लेकिन ये जो फिक्स टाइम टेबल बना हुआ है दोस्तों, वो अभी मैं जा रहा हूँ। और इधर ये पीछे देखिए, ये मिक्सर खड़ा हुआ है, ये इसको अरबी में खलाता बोलते हैं। और इधर ये जो भी कुछ दिन पहले घर टूट रहा था, वहीं पे काम चल रहा है दोस्तों। इधर आइए, और ये जो ड्राइवर है बेचारा, ये अपनी साफ सफाई में लग गया है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसका बहुत सुबह सुबह काम रहता है। देखिए ये अपना शुरू हो गया है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, इस पे ये बर्फ जमी हुई है हल्की हल्की ठंडी की वजह से। मैं तो वाइपर से चालू जगह, बाकी गाड़ी की जो सफाई है सफाई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि रोड पे भी वही हाल होगा। ये बालक वही दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ, ये अमल हमाम पड़ता है। अभी मैं यहाँ से इस रास्ते से जा रहा हूँ कि मेन रोड से बारिश की वजह से बहुत जाम लगा हुआ है दोस्तों। और ये मैं आपको बाएं लेफ्ट साइड में दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो मार्केट है, इसी मार्केट के बगल में इंडियन एम्बेसी है। यहाँ पे लोग पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए आते हैं दोस्तों। ये छोटी एम्बेसी है, बड़ी एम्बेसी तो सफारत के अंदर है, लेकिन यहाँ पासपोर्ट का काम यहीं से होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ से मैं अंदर की वीडियो बनाने वाला था, एक बार तो गाड़ी घुमा दिया था, लेकिन फिर यूटर्न कर लिया, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है और मुझे यहाँ से मरुज निकलना है, इसलिए अगर मैं अंदर जाता तो मुझे टाइम लग जाता है। और रोड पे जाम भी लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो जाम मिलेगा ही। फिर भी दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। और दोस्तों ये सब देखिए, इधर काम के लिए बैठे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं अपना। दोस्तों ये मैं पहुँच गया हूँ अपनी ये फेवरेट मार्केट में। ये जो बंगाली मार्केट मेरे लिए सबसे फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर सामान मिल जाता है दोस्तों। खाने पीने का सब अपने यहाँ इंडिया का सामान मिल जाता है, इसलिए मैं अगर ड्यूटी पे इधर रहता हूँ तो मैं इधर से ही सामान लेके जाता हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं मार्केट में पहुँच गया हूँ, और वहीं से मैं इंतज़ार करके सामान ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पार्किंग में खड़ी करने का टाइम नहीं है। और पहली बात तो मेरी गाड़ी स्टार्टिंग में राउंड ले रही है, कहीं अगर इसकी बैटरी वीक हो गई तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी मेरी ऑटोमेटिक है और ये धक्के से नहीं स्टार्ट होती है। इसके लिए टर्मिनल लगाना पड़ता है, तो यहाँ कोई पहचान वाला तो है नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो लगा देगा। इसलिए बस वहीं पे थोड़ा 5 मिनट वेट करके उसको बोल देंगे, तो वो सामान ला के गाड़ी पे ही दे देगा दोस्तों। ये देखिए इधर कंपनी वाले आए हैं, ये बस लेके, ये भी ड्राइवर ही हैं। ये बंगाली बेचारा साफ कर रहा है दोस्तों। दोस्तों मैं ड्यूटी से अभी अपने रूम पे आ गया हूँ, अब चल रहा हूँ अपने रूम पे। पहले तो मैं नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ दोस्तों। अभी सब सारे ड्राइवर अपने ड्यूटी पे हैं, अभी इधर कोई नहीं है। और इधर ये मदरसा चल रहा है, इधर से बच्चों की आवाज़ भी आ रही है दोस्तों। तो अभी मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, ये मैं केरला होटल से पराठा लेके आया था, और ये अंडे की भुर्जी अपने रूम पे बनाया, और इधर ये चाय है दोस्तों। अभी मैं आ गया हूँ मदरसे में बच्चे को लेने के लिए, जो ये मेरा संडे को ये ड्यूटी मेरी फिक्स है। अभी मैं मदरसे में आ गया हूँ दोस्तों। ये सामने मदरसा है ये वाला, और ये सामने मदरसे की बस खड़ी है। तभी कुछ लोग अपने बच्चों को अंदर से लेके अभी निकल रहे हैं। तभी ये बुड्ढी मेरी आई है, यानी मैडम की माँ आई है, बच्चे को लेने के लिए अंदर गई है दोस्तों। ये इधर सब घर है, इधर रहाइश है दोस्तों। देखिए ये बच्चों को लेके जा रहे हैं, ये तो नौकरानी है किसी के घर की दोस्तों। जो अभी की मेरी ड्यूटी थी वो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। अभी मैं बच्चे को मदरसे से भी लेके आ गया हूँ, और उस मार्केट से कुछ सामान लेके आना था, सामान भी लेके आ गया हूँ दोस्तों। मैं मार्केट गया था, लेकिन वहाँ की वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट में जिधर भी सामान लेने मैं गया था, मैं कई बार उसकी वीडियो बना चुका हूँ, कई बार नहीं, एक बार बनाया हूँ, सॉरी दोस्तों। और अभी मैं चल रहा हूँ, थोड़ा अपने रूम का काम देख लेता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से मुलाकात होती है, वीडियो में बने रहे। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये समझ लीजिए बेचारा जो ये फिलिपिन का ड्राइवर है, ये सुबह 7 बजे से काम पर कर रहा है, अभी तक वो फ्री नहीं हुआ, क्योंकि जितनी गाड़ी इनके घर में थी सब सारी गाड़ियों को साफ़ किया, बारिश हुई थी इसकी वजह से, फिर घर के अंदर की पूरी सफाई की है। अभी ये बाहर एक गाड़ी ये है, ये गाड़ी जो है मजरे की है, यानी जो इनका खजूर का मजरा है, वहाँ पे इसके घर में भेड़ और ऊँट भी पाले हैं, ये गाड़ी वहाँ पे रहती है।
तो वहाँ से ये गाड़ी आई है, तो इसकी सफाई कर रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभी मैं अभी जा रहा हूँ ड्यूटी पे, जो मेरा डेली का फिक्स टाइम है, और मैं निकल चुका हूँ, समझ लीजिए गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूँ दोस्तों। और हाथ में ये कपड़ा लिया हूँ गाड़ी साफ़ करने के लिए, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो कपड़ा भिगो के रख दिया था। और हल्का सा भी ये जो बूंदाबांदी हो रही है, इससे गाड़ी गंदी है, तो अब मैं मकतब में पहुँच के वहीं पर गाड़ी पार्किंग में पार्क करके फिर गाड़ी साफ़ कर लेंगे दोस्तों। और अभी असर का वक्त भी होने वाला है, तो असर की नमाज में ड्राइवर वेटिंग रूम में पढ़ता हूँ दोस्तों, वहीं पे जाके पढ़ूंगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहना ड्यूटी से आने के बाद, और जहाँ भी मैं जाता हूँ नई जगह, आप लोग को वहाँ की वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों। मैं जिधर रहता हूँ वो रौदा 2 नंबर एरिया पड़ता है, और ये रौदा 1 नंबर एरिया है दोस्तों। अभी ये मेन हाईवे है मदीना और दम्माम का, और सामने ये जो दिख रही है बिल्डिंग, ये सब गाड़ी की एजेंसी है दोस्तों। जब ये जाम मैं देखता हूँ रोड पे, तो मैं डर जाता हूँ, क्योंकि एक दो बार मैं फंस गया, लेकिन मैं इतना टाइम से निकलने के बाद ये जाम मिल जाता है, मुझे डेली मिलता है। शुरू में तो रोड बहुत साफ़ रहता है, जो जिधर इंडियन स्कूल है, जब उधर से मैं राइट मारता हूँ इंडियन स्कूल से, तो बहुत साफ़ रहता है, लेकिन जब कुछ दूर आने के बाद ये ओवर ब्रिज के पास से जाम मिल जाता है दोस्तों। डर लगता है, मालूम नहीं आगे भी कितना जाम होगा, और लेट हो जाएगा तो क्या होगा। अभी मुझे 45 मिनट बचा है ऑफिस पहुँचने में दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं अभी आ गया हूँ ड्राइवर वेटिंग रूम में। सबसे पहले जाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ा, क्योंकि नमाज में का वक्त तो ख़त्म हो रहा था दोस्तों, यानी जब मैं रूम से निकला तो उस टाइम पे असर का वक्त हो गया था, अजान नहीं भी हो गया था। मैं डेली जब ड्यूटी रहती है तो ड्राइवर वेटिंग रूम में ही आके नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन रास्ते में जाम लगा था, जाम की वजह से लेट हो गया दोस्तों। अच्छा हुआ कि मतलब लेट नहीं हुआ, जाम आधे रास्ते तक था, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा खुल गया तो मैं पहुँच गया, नहीं तो आज फिर मैं लेट हो जाता दोस्तों। दोस्तों लेट हो जाना यानी अपनी बेइज्जती है, क्योंकि ये दो बार हो गया, अगर तीसरी बार हो जाता तो बोलते कि हर गर्दन जो जाम ही मिल जाता है, इसलिए मैं पहले निकल लेता हूँ दोस्तों। अभी मैं चल रहा हूँ गाड़ी के पास, वहाँ पे वेट करता हूँ, अभी तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगेगा दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहना दोस्तों। अभी मैं शाम का खाना खाने जा रहा हूँ, खाने में ये पिज्ज़ा है और इधर ये सॉस, ठंडी इतनी है कि हीटर चला के बैठा हूँ दोस्तों। दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।